हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो फाइनल अकाउंट है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे जो अब तक आपने चैप्टर सीखे हैं उन्हीं का इंक्लूसिव आप बोल सकते हो, एक मिलाकर एक सम आपको जो फाइनल क्लोजिंग जब हम ईयर एंड करते हैं, ईयर एंड हो जाता है तो फाइनल क्लोजिंग जब की जाती है तो उसी तरीके से बिजनेस में भी फाइनल ईयर एंड होता है। उस समय पर प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए, बिजनेस में फायदा है क्या नुकसान है वो पता करने के लिए, एंड बिजनेस में बिजनेस की कंडीशन कैसी वो पता करने के लिए अकाउंट तैयार करना जरूरी होता है। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको ये चैप्टर छोड़ना नहीं है। भले आप कॉलेज जा रहे हो नहीं जा रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, भले आप फिजिकली कोई क्लास अटेंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ट्रेन करना सीखो। बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी मिल जाते हैं, तो उसके बेसिस पे रेगुलर अपनी स्टडीज को प्लान आउट करो डियर 11th स्टैंडर्ड के मेरे सारे बच्चों, क्योंकि आपको 12th में अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो अभी से उसकी भी तैयारी आपको करनी जरूरी है। अभी यूजुअली अगर हम देखें ना तो ये जो अप्रैल महीने में है ना 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन है ना हमने वो स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि अभी तक अपना क्या बोलते हैं 11th का भी है ना कंप्लीट पोर्शन नहीं हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस चालू नहीं हुए थे तो इसमें भी काफ़ी डिले हो रहा है। इसीलिए अभी जल्दी से जल्दी ये जो अप्रैल एंड मई 15 तक सारा पोर्शन 11th का कंप्लीट कर देना है, एंड देन उसके बाद में हमको 12th स्टार्ट कर देना है। इसीलिए इस चैप्टर को भी आप कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th का जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहला चैप्टर जो है वो फाइनल अकाउंट का ही चैप्टर है, जहां पर हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखने वाले हैं। यहां पर हम सीख रहे हैं प्रोप्राइटर मतलब सिंगल और जो सोल ट्रेडर का हम सीख रहे हैं, प्रोप्राइटरी मतलब सोल ट्रेडर का, एंड वहां पर हम पार्टनर्स का अकाउंट सीखने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड में, पहला चैप्टर ही वही है। तो ज़्यादा भी हम बात न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एंड सन्स, संजीव एंड सन्स की ट्रायल बैलेंस दी हुई है। ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ने मुझे पूछा मैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। भाई ये जो ट्रायल बैलेंस होता है ये एक्सट्रैक्ट्स होता है लेजर अकाउंट्स का, जो बैलेंस अमाउंट होते हैं बैलेंसेस होते हैं बैलेंस, जैसे परचेस की अकाउंट आपने सब्सिडरी बुक चैप्टर नंबर 5 में हमने सब्सिडरी बुक सीखा, तो वहाँ जो हम क्लोज करते हैं सब्सिडरी बुक्स को, लेजर अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो जो बैलेंसेस होते हैं उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस के माध्यम से है ना दिया जाता है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। ये फाइनल अकाउंट प्रिपेरेशन में मस्ट है, क्लोजिंग बैलेंसेस है ये ईयर एंड के, एंड उसके साथ में है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब या हम ये बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स जो आपको एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है, तो यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उसके दो इफेक्ट, कम से कम मिनिमम दो इफेक्ट आते हैं। मैंने ऐसे मतलब नोटिस किया कि थियोरी पे उतना आप लोग फोकस करते नहीं हो, इसीलिए ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपके सम्स के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर देने वाली हूँ कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कितने इफेक्ट आते हैं और कैसे इफेक्ट आएंगे, तो वो भी मैं आपको साथ साथ में ही बताते जाने वाली हूँ। तो पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाइफरकेशन कर लेंगे कि भाई कौन सा यहाँ पर बोला ट्रायल बैलेंस के आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपको बनाने बोला है ईयर एंडेड एंडिंग 31st मार्च 2019 का, एंड बैलेंस शीट भी तैयार करने बोला है। तो आपको तीनों भी तैयार करना है, मतलब बैलेंस शीट तो स्टेटमेंट होती है, एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट्स है, तो आपको बाइफरकेशन करना होगा कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे एंड कौन से नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी है वो फैक्ट्री रिलेटेड जो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो ओपनिंग स्टॉक है, आप प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको ट्रेडिंग अकाउंट में इसे रिकॉर्ड करना है। तो ये जो आएगा वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो इसके लिए आप TR लिख लोगे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है, एंड देन उसके बाद में ये जो परचेसेस है, परचेसेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में परचेसेस,
ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेसेस आएगा एंड जो सेल्स है ये 4,60,000 दिया है ना, सेल्स का ऑलवेज है ना क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा 4,60,000 सेल्स कर हम लिखेंगे। देन यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड दिया है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, PNL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। देन डेटर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी को हमको एसेट में लिखना है, ये एसेट्स में आएगा, ये लिख लेंगे इसके लिए हम। देन डेटर्स जो है वो एसेट्स में आएगा, ये जो अमाउंट है 44,000 का डेटर्स, डेटर्स मतलब जो हमारे कस्टमर्स होते हैं बिजनेस के कस्टमर्स एंड जिनको उधार में माल बेचा गया होता है, एंड जो क्रेडिटर्स है वो कौन होते हैं, वो सप्लायर्स होते हैं, तो इसको हमको लायबिलिटीज में लिखना है, तो इसके लिए हम एल लिख लेंगे, क्योंकि जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो बनाया जाता है, राइट हैंड साइड में हम एसेट्स बनाते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम लायबिलिटीज लिखते हैं, तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जाएगा क्रेडिटर्स। एंड देन रिटर्न्स जो अभी यहाँ पे रिटर्न्स जो दिया है, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो रिटर्न्स दिया है, ये जो डेबिट के यहाँ पे जो रिटर्न्स दिया है, डेबिट में अमाउंट दिया रिटर्न्स का, वो आपको सेल्स में से माइनस करना है, तो ये माइनस फ्रॉम सेल्स करेंगे तो हम यहाँ पे एस लिख लेते हैं। एंड ये जो 4,000 क्रेडिट के यहाँ पर दिया है, ये आपको परचेसेस में से माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन एंड परचेस, माइनस का साइन एंड सेल्स, माइनस फ्रॉम सेल्स देन माइनस फ्रॉम परचेसेस, तरीके से आप इसका बाइफर्केशन कर लोगे। बिल्डिंग्स है इसको एसेट्स में लिखना है, देन मोटर वैन भी एसेट्स होता है तो इसको एसेट्स में लिखना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है वो ऑफिस रिलेटेड हुआ, ये फैक्ट्री रिलेटेड नहीं मानते हम इसको, तो इसको हम PNL में प्रॉफिट एंड लॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। वेजेस है ना ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, 3-4 सम प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। रिजर्व फॉर बैड डेट्स है, ये ओल्ड रिजर्व्स है, ये इसका जो है हम फॉर्मेट बनाने वाले हैं कि बैड डेट्स में ये जो ओल्ड रिजर्व्स होता है वो माइनस करना होता है, इसका पूरा फॉर्मेट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये आपको है ना डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम डेबिट साइड में इसको माइनस करेंगे, माइनस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इसका पूरा फॉर्मेट हम मैं बताऊंगी आपको। देन कमीशन जो है वो ये क्रेडिट साइड में अमाउंट दिया हुआ है तो मतलब ये कमीशन रिसीव हुआ है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देन ऑफिस एक्सपेंसेस जो है वो हमको डेबिट साइड में लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ऑफिस रिलेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन यहाँ पे देखो मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराया तो उसमें मैंने बोला था ओनली कैरिज लिखकर आया तो आपको उसको कंसिडर करना है कि वो ट्रेडिंग में जाएगा, ओनली कैरिज, यहाँ पे ना तो आउटवर्ड मेंशन किया है न ही इनवर्ड मेंशन किया है तो मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट में आप लेकर जाओगे, तो यहाँ पे TR लिख लेते हैं। देन फर्नीचर जो है वो एसेट्स में जाएगा, प्रीमाइसेस एसेट्स के अंडर में आएगा, लूज टूल्स है ये एसेट्स के अंडर में आएगा। देन यहाँ पर जो ड्राइंग्स दिया है, ये ड्राइंग्स दिया है तो ये हमको माइनस करना होता है, माइनस फ्रॉम कैपिटल CAP कैपिटल से हम इसको माइनस करेंगे। देन यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, इसको हमको लायबिलिटीज में लिखना है इसलिए एल लिख लेते हैं। कैश इन हैंड है वो एसेट है, इसको ए लिख लेते हैं हम। देन यहाँ पर डिविडेंड, ये क्यों कर रहे हैं हम बाइफर्केशन, इससे काफ़ी आसान हो जाता, फिर क्विकली आप है ना बिना कोई एरर किए आप है ना इनको ट्रांसफर कर सकते हो इनको इनके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में। डिविडेंड यहाँ पर क्रेडिट साइड में डिविडेंड रिसीव हुआ है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमको तो PNL लिख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटल है, ऑब्वियसली कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, वो क्रेडिट बैलेंसेस होता है, तो यहाँ पर ये जो कैपिटल दिया है वो हमको लायबिलिटीज में लिखना है, ये आएगा हमारा लायबिलिटीज के अंदर में हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको हमको लायबिलिटीज में लिखना है एल, इसके लिए एल लिख लेते हैं। देन सैलरीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में। देन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल दोनों कंबाइन ही यहाँ पे लिखा है, तो ये जो डेबिट वाला है ये बिल्स रिसीवेबल है, ये डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल है एंड जो क्रेडिट का बैलेंस है ये क्या है, बिल्स पेबल है, तो इनको कहाँ लिखा जाता है, तो बिल्स पेबल को हम लायबिलिटीज में लिखते हैं एंड बिल्स रिसीवेबल होता है ये एसेट्स में आता है, तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम तैयार, ये जो चैप्टर है हम सीखने वाले 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में, तो ये जब ही हमारा डेटर हमको साइन करके देता है तो वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ, हम अगर किसी को साइन करके देते हैं कि फ्यूचर में पैसा देंगे तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए होता है तो वो हम को लायबिलिटीज में लिखना होता है। देन बैड डेट्स है, ये ओल्ड बैड डेट है तो इसका भी हम फॉर्मेट जब तैयार करेंगे तो उसमें हमको है ना ओल्ड बैड डेट में ऐड करना होगा, अगर फर्दर बैड डेट्स वगैरह दिया है तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। एंड यहाँ पे ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करके कि हमें एडवर्टीजमेंट की यहाँ पर एंट्री दी है और आइटम दिया कि भाई एडवर्टीजमेंट, और ये एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है
यहाँ पर बोला एडवर्टीजमेंट फॉर 3 इयर्स, 3 साल का एडवर्टीजमेंट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस में तो हम जो भी तैयार करते हैं वो 1 ईयर का हम ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, ओनली 1 ईयर का, और यहाँ पे तो 3 साल का एडवर्टीजमेंट का जो 6,000 दिया हुआ है, इसका मतलब हमको ओनली एंड ओनली 1 ईयर का कंसिडर करना है। बाकी जो एडवांस में जो 2 साल का, इन जनरल ये सोचने वाली भाई एडवांस में जो 2 साल का है वो हमको है ना एसेट्स के अंडर में दिखाना होगा, तो इसके ऊपर हमको एडजस्टमेंट करना है। और इस एडजस्टमेंट को हम हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसको कौन सा एडजस्टमेंट बोला जाता है? हिडन, छुपा रुस्तम। ये छुपा रुस्तम एडजस्टमेंट है जो कि हमें ना सॉल्व करने के टाइम पे कि प्रीपेड हुआ है, एडवांस में पेमेंट किया गया एडवर्टीजमेंट का, तो वो हमें यहाँ से माइनस करना होगा। तो इसका भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है इसको, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में इसका एडजस्टमेंट करेंगे एंड बाद में एसेट्स में इसको दिखाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हुआ ये। इसके बाद में यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं जो कि अनरिकॉर्डेड कुछ एंट्रीज होती है, मिस्ड आउट एंट्रीज होती है, उसके लिए एडिशनल एडजस्टमेंट के थ्रू, इन्फॉर्मेशन के थ्रू, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें बताया जाता है। तो हमें उनका कम से कम 2 इफेक्ट उनका आता है, मोर देन 2 हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 इफेक्ट्स होता ही है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 को जो क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, अभी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। एंड यहाँ पर 2 अमाउंट दिए, वॉज एट कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है 60,000 एंड मार्केट प्राइस दिया है 70,000। तो आपको कौन सा अमाउंट लेना होगा? तो विच एवर इज लेस, जो भी कम अमाउंट है वो हमें चूज करना होता है। तो यहाँ पे हम 60,000 को सिलेक्ट करेंगे। हम जब क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे तो 60,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। और इसके जो 2 इफेक्ट है वो कौन से इफेक्ट आएंगे? तो एक तो इसको यहाँ पर हमको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, एक इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। एंड इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो एसेट्स में हमको दिखाना है। ये एसेट हो गया ना बिजनेस का बचा हुआ स्टॉक है, तो एसेट्स में हमको दिखाना होता है। ये हुई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेके। देन सेकेंड इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मैं थोड़ा इस सब में स्लो जा रही हूँ लेकिन आपको ये चीजें सीखनी है इसलिए आपको डीपली देखना ही होगा इनको। नाउ वेजेस पे आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, दिया नहीं है, तो वेजेस कितना नहीं दिया? 4,000 वेजेस नहीं दिया, सैलरी 2,400 नहीं दिया। तो ये करंट ईयर का है, 2019 की जो हमको बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये 4,000 हमको वेजेस में, मतलब वेजेस पे हमको एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो वेजेस दिया हुआ है हमको, इसके ऊपर मतलब एक हमको इफेक्ट दिखाना है, हम दिखाएंगे वेजेस में ऐड करेंगे। तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? तो एक तो होगा एड टू वेजेस और दूसरा जो है हमको लायबिलिटीज में दिखाना होगा। कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा। सेम सैलरी के लिए भी वही है कि 2,400 सैलरी यहाँ पे कहाँ दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, तो सैलरीज में से हमको लेना है, सैलरीज में ऐड करना है 2,400 एंड इसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में हमको दिखाना है। फिर इसके बाद में प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% और मोटर वैन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो मोटर वैन एंड फर्नीचर तो कहाँ पर है देखेंगे क्वेश्चन में कि ये मोटर वैन पे एडजस्टमेंट आने वाला है एंड फर्नीचर पे आने वाला है क्योंकि इनके लिए हमको लाइन्स लीव करने होंगे, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फर्नीचर पे हम फर्नीचर पे भी हमने मार्किंग कर ली कि हाँ फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट आने वाला है। तो इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे? तो एक तो आपको माइनस करना है ये रेस्पेक्टिव एसेट्स में से, मोटर वैन में से डिप्रिसिएशन माइनस होगा एंड फिर उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने वाले हैं। फिर यहाँ पे फोर्थ एडजस्टमेंट दिया राइट ऑफ 2,000 फॉर बेड डेब्ट्स। बेड डेब्ट्स के लिए राइट ऑफ करना है। तो ये जो बेड डेब्ट्स है ये फर्दर बेड डेब्ट है। ये क्या है? फर्दर बेड डेब्ट बोल सकते हो आप इसको, न्यू बेड डेब्ट बोल सकते हो। तो फर्दर बेड डेब्ट हम इसका फॉर्मेट में बताने वाली हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो ये ऐड करना है हमको ओल्ड बेड डेब्ट्स में एंड देन यहाँ पे एंड क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स पे 5% का आरडीडी क्रिएट करना है। तो ये जो फर्दर बेड डेब्ट्स होता है ये भी डेटर्स से माइनस करना होता है हमको, माइनस फ्रॉम डेटर्स, एंड जो आरडीडी है वो भी हमको डेटर्स में से माइनस करना होता है। तो इसका प्रोसेस भी है ना आपको डीपली सीखना होगा कि कैसे इसको माइनस किया जाता है। तो माइनस फ्रॉम डेटर्स होगा दोनों भी आइटम्स, पहले बेड डेब्ट्स माइनस होता है फिर आरडीडी कैलकुलेट होकर आरडीडी माइनस होता है एंड इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि फिफ्थ, प्रोवाइड 10% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी कैपिटल का अमाउंट है यहाँ पर जो दिया है उस पर 10% का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हम है ना ऐड करते हैं, कैपिटल में ऐड किया जाता है एंड दूसरा इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो ये सारा क्वेश्चन रीड करने के बाद में और इनके बाइफरकेशंस करने के बाद में हमें क्वेश्चंस को फटाफट जॉट डाउन करना स्टार्ट करना है फॉर्मेट तैयार करके। तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट रेडी रखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक तो हिडन एंट्री का हमें ध्यान देना है, थियरी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है क्योंकि यह है थियरी पे फोकस कम है आप लोगों का, तो सम के थ्रू ही मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट का ध्यान देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखी है। तो सेम वे आप भी अपना मार्किंग करके रखोगे ताकि आप है ना भूलो नहीं कि भाई ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसका एडजस्टमेंट भी हमको करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ही है ये जो कि आपके क्वेश्चन के अंदर ही फॉर थ्री ईयर इससे पता चला, फॉर थ्री ईयर ये जो पैसा अमाउंट दिया है 6000 और 3 साल का है। तो अभी फटाफट क्विकली हम फॉर्मेट रेडी है, मैंने रेडी रखा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया है तो ऑर्डर में ही हम जा रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक हम लिख रहे हैं टू ओपनिंग एंड स्टॉक। यहाँ पे जो अमाउंट दिया है ओपनिंग स्टॉक का वो दिया हुआ है 22,000। उसके बाद में परचेसेस दिया है हमको 1,78,000 का। आप बोलोगे कि टीचर आप इतना समय इसको बताने में लग गए, पहले ही हम लिखना शुरू कर देते, पहले ही लिखते हैं आप लोगों को चीज़ें इतनी अच्छे से नहीं पता चलती। यहाँ पे परचेसेस हमको 1,78,000 एंड परचेसेस पे हमको है ना रिटर्न माइनस करना है, जो यहाँ पे हमने रिटर्न का देखिए यहाँ पे मार्किंग कर नहीं किया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे परचेसेस पे भी एडजस्टमेंट है, सेल्स पे भी एडजस्टमेंट है, मतलब रिटर्न्स वाला हमको माइनस करना है, इसलिए 1-1 लाइन लीव करना है। ये जो मार्किंग है ये आपको लाइन लीव करने के लिए सजेस्ट करता है कि भाई आपको लाइन लीव कर दिए तो यहाँ पे हम लाइन लीव कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स की चीज़ आने वाली। फिर सेल्स यहाँ पर दिया है 4,60,000 तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे हम बाय सेल्स करके, और इस अमाउंट को भी हम आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे, इस पर भी हमको एडजस्ट करना है रिटर्न्स जो है वो जो रिटर्न किया जिसे हम है ना रिटर्न इनवर्ड बोल सकते हैं कि हमारे सब हमारा जो कस्टमर उसने हमको रिटर्न भेज दिया। नाउ कैरेज आउटवर्ड है तो कैरेज आउटवर्ड वर्ड यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे इसको। तो इसको एक स्टार्टिंग की एक लाइन यहाँ पर लीव कर देते हैं कि कभी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का कोई ट्रांजैक्शन आता है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस का यहाँ पे आपको चाहिए ना, तो आप ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको कंबाइन इसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। यहीं पे हेडिंग में हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड करके हम हेडिंग दे सकते हैं, तो फिर आपको फिर से पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू कैरेज आउटवर्ड अमाउंट जो दिया है कैरिज आउटवर्ड का 4,800। यहाँ पे डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट आपको स्पेसिफाई करके दिए तो उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। नाउ प्लांट एंड मशीनरी 50,000 एसेट्स में लिख लेना है, तो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि एसेट्स जो होता है डेबिट वाला साइड है वो राइट हैंड साइड में होता है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, तो ये एसेट साइड है ना वो आपका डेबिट। ये एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे जस्ट फॉर नॉलेज, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, यहाँ पर सारे डेबिट बैलेंसेस आते हैं, डेबिट बैलेंसेस आते हैं और यहाँ पर सारे क्रेडिट आएंगे लायबिलिटीज के अंडर में। तो जो एसेट्स है वो मोटर प्लांट एंड मशीनरी है वो एसेट है, तो प्लांट एंड मशीनरी को अभी देखिए इस पर हमने मार्किंग नहीं की है कुछ भी, मतलब इस पर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना नहीं है, तो इसको डायरेक्टली आउटर में आप 50,000 लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिया, तो डेटर्स पे तो बेड डेप्थ का एंड आरडीडी का आने वाला है कैलकुलेशन, तो डेटर्स जो 44,000 है उसको हम इनर कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटर्स अमाउंट जो है वो आएगा 44,000 का अमाउंट हमको लिख देना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई 44,000 है इनर कॉलम भी बनाया है यहाँ पे, इस पर एडजस्टमेंट आने वाला है, क्या क्या आने वाला है, तो हमको बैड डेप्ट कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद आरडीडी कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ पर ये जो क्रेडिटर्स दिया है 76,000 इसको लायबिलिटीज में ऊपर टॉप में हम है ना कैपिटल के लिए स्पेस छोड़ देते हैं,
कैपिटल्स वगैरह के लिए तो 4-5 लाइन छोड़ देते हैं जहाँ पे ड्राइंग कैपिटल वगैरह एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हम लिख लेते हैं एंड डायरेक्ट उसको आउटर कॉलम में 76,000 हम लिख देते हैं। नेक्स्ट जो दिया है वो है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स में जैसे मैंने आपसे कहा जो डेबिट में बैलेंस है वो हमको सेल्स में लेके जाके माइनस करना है, तो ये जो है 2000 डेबिट में है उसको हम है ना सेल्स में लेके जाके उसको हम सेल्स में लेके जाके माइनस रिटर्न्स 2000 एंड अब आप आउटर में इमीडिएटली लिखना चाहते हैं तो इमीडिएटली 4,58,000 लिख सकते हैं। फिर जो क्रेडिट में रिटर्न्स 4,000 दिया है वो परचेस रिटर्न है, क्रेडिट में जो रिटर्न्स करके लिखा है वो 4,000 परचेस रिटर्न है, तो परचेस में से हम माइनस कर देंगे माइनस रिटर्न्स लिखकर 4,000 तो आ जाएगा 1,74,000। इसके बाद में बिल्डिंग्स दिया है 58,000, तो एसेट्स के अंदर में हम लिखेंगे बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स पे भी कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है तो डायरेक्ट इसको आउटर में 58,000 हम लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमको दिया है मोटर वैन, इस पर डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है, हमने मार्किंग भी की है, 1 टिक मार्क किया है, तो मतलब 40,000 हमको इनर कॉलम में लिखना है। तो मोटर वैन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समय लग सकता है इसको सब कैलकुलेट करने में समझने में, बाद में आपकी स्पीड हो जाएगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000 दिया है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने मार्किंग की है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाला है ये, तो 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,000। के बाद में वेजेस हमको दिया है 28,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट में और इनसाइड में लिख लेंगे अमाउंट को क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट करना है हमको, तो 2 वेजेस 28,000। देन रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, अब इसका फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ओल्ड बैड डेब्ट भी हमको दिया है, देन हमको यहाँ पर ओल्ड बैड डेब्ट दिया है, फिर उसके बाद में हमको यहाँ पे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स भी दिया हुआ है, ये भी ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है एंड नया बैड डेब्ट्स दिया है हमको एंड आरडीडी भी कैलकुलेट करने बोला है, तो उसके लिए हमें फॉर्मेट तैयार करना होगा। तो फॉर्मेट किस तरीके से आपको ऑलवेज याद रखना है इस फॉर्मेट को कि ऐसे होगा कि 2 बैड डेब्ट्स यहाँ पे हम लिख लेते ओल्ड, ये क्या है ओल्ड बैड डेब्ट्स है, तो इसका अमाउंट कितना है 2,400 दिया है, हम अमाउंट आप बाद में भी लिख सकते हो। ऐड हमको यहाँ पर जो फर्दर बैड डेब्ट दिया है, फर्दर बैड डेब्ट को आप न्यू बैड डेब्ट्स भी बोल सकते हो, फर्दर बैड डेब्ट्स देन ऐड प्लस करना होगा आपको न्यू आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड ये सब होने के बाद में आपको उसमें से माइनस करना होता है ओल्ड RDD। तो यहाँ पर जो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स दिया है, आप इसको डाउटफुल डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स हम एक ही बात है, तो 3,200 हमें क्या करना है माइनस करना है, ये जो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है ये जो फॉर्मेट है आप प्रिपेयर करोगे इसमें से यहाँ पर आपको माइनस करना होगा 3,200। अभी और बैलेंसेस यहाँ पर आने वाले हैं, इसके आगे आगे हम सम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। देन कमीशन दिया है 2,400, तो बाय कमीशन हम यहाँ पर ऑनलाइन लीव करने के बाद में बाय कमीशन क्रेडिट बैलेंस है 2,400 लिख लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है हमको ऑफिस एक्सपेंसेस, तो 5,400 यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस 5,400। उसके बाद में कैरेज दिया, तो ओनली कैरेज वर्ड यूज किया है तो आपको ऑलवेज ट्रेडिंग में ही डालना है उसको, तो यहाँ पर ओनली कैरेज है, आउटवर्ड भी यहाँ पर आया है
एक आउटवर्ड की भी हमने रिकॉर्ड की आइटम यहाँ पर देखिए कैरिज आउटवर्ड, लेकिन कैरिज अगर ओनली कैरिज वर्ड है तो वो ट्रेडिंग में ही जाएगा, भले आपको कैरिज आउटवर्ड का कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया है तो भी अगर ओनली कैरिज इनवर्ड कैरिज वर्ड आया तो मतलब आपको लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट में। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो है फर्नीचर दिया है 20,000 का तो एसेट्स के अंडर में आएगा, एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है इसलिए फर्नीचर का अमाउंट है वो इनर इसमें लिख लेंगे हम, फर्नीचर जो है 20,000 का लिख लेना है, वन लाइन लीव कर देनी है। देन नेक्स्ट है प्रीमाइसिस, तो प्रीमाइसिस मतलब आपको लिखना है ऑफिस प्रीमाइसिस वगैरह, इसको भी इनर उसमें लिख लेना है, आउटर उसमें लिख लेना है क्योंकि इस पर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह कैलकुलेट नहीं करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर है लूज टूल्स, ये भी एसेट्स के अंडर में आएगा तो लूज टूल्स 20,400 का हमको लिख देना है। देन ड्रॉइंग्स है तो ये तो ड्रॉइंग्स जो दिया है वो तो हमको कैपिटल से माइनस करना है, तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे कैपिटल, इसका अमाउंट अभी तक हमको मिला नहीं, माइनस ड्रॉइंग्स किया जाएगा। ये पर्सनल विड्रॉवल होता है तो उससे है ना जो पार्टनर जो बिजनेसमैन होता है उसका कैपिटल डिक्रीज होता है, तो ये हमें माइनस करना है 24,700 का जो दिया है ड्रॉइंग्स। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000 की, तो यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में ही हमको बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो दिया है अमाउंट 22,000। फिर उसके बाद में कैश इन हैंड तो एसेट्स के अंडर में लिख देंगे 71,000 कैश इन हैंड 71,000। देन डिविडेंड जो है 3,300 का दिया है हमको, तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डिविडेंड कर हम लिखेंगे बाय डिविडेंड। कैलकुलेशन भी इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन से बहुत इम्पॉर्टेंट सम है, यहाँ पर डिविडेंड में 3,300। इसके बाद में यहाँ पर कैपिटल दिया है 1,40,000 का, यहाँ पर लायबिलिटीज के अंडर में टॉप में हम कैपिटल लिखते हैं तो 1,40,000 का कैपिटल, इसमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा तो वो हमको एडजस्ट करना है। देन सैलरीज 44,000, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनर कॉलम में लिख लेना क्योंकि इस पर भी एडजस्टमेंट है, टू सैलरीज इनसाइड मैंने कॉलम नहीं बनाया लेकिन इनसाइड हम लिख सकते इस तरीके से कि 44,000। एक लाइन लीव कर देनी है मार्किंग से पता चल गया कि भाई एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवेबल 5,600 का एसेट्स में आएगा, तो यहाँ पर एसेट्स में 5,600 बिल्स रिसीवेबल कर हम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में बिल्स पेबल 8,400 लायबिलिटीज के अंडर में आएगा, तो यहाँ पर बिल्स पेबल, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। 8,400 देन बेड डेप्ट्स जो 2,400 का दिया है, यहाँ पर ये जो बेड डेप्ट्स है 2,400 ये ओल्ड है, ये जो है ये ओल्ड है, ये बैलेंस शीट में सॉरी ट्रायल बैलेंस में दिया है ये ओल्ड है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर हमने फॉर्मेट तैयार रखा है ओल्ड 2,400 हम लिख चुके हैं। देन एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पर आते ही हमने मार्किंग की थी कि हिडन है, कैसे पता चला हिडन है क्योंकि फॉर थ्री इयर्स बोला, फॉर थ्री इयर्स, फॉर टू इयर्स, फॉर वन एंड हाफ ईयर ऐसे बोला होता है, तो मतलब है ना हमको तो खाली एक साल का चाहिए होता है पर्टिकुलर वन ईयर का, तो यहाँ पर है ना थ्री इयर्स दिया मतलब हम एक साल का ही कैलकुलेट कर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, बाकी जो दो साल का एक्स्ट्रा है वो हमको क्या करना है प्रीपेड कर एसेट्स में दिखाना है, तो यहाँ पर टू एडवर्टीजमेंट हम लिखेंगे, टू एडवर्टीजमेंट अमाउंट लिखेंगे 6,000। अभी कैसे पता चलना कि भाई ये, तो यहाँ पर वर्किंग नोट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सबसे पहला जो वर्किंग नोट हमारा है
एडवर्टीजमेंट के लिए शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ ADVTG, 3 ईयर्स का है एंड हमको कितना चाहिए, 1 ईयर का चाहिए। तो 6000 को जब आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2000 पर ईयर का आया, ठीक है। तो हमें पर ईयर का खाली हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो क्या होगा, तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर में हम दिखा देंगे 2000, यहां पर 2000 लिख देंगे आउटर में। तो मतलब 4000 जो एडवांस है, ये क्या है, एडवांस है, तो इसको हम प्रीपेड कर माइनस प्रीपेड, 2 ईयर्स 2 साल का प्रीपेड है, प्रीपेड है, और इसको हमें इमीडिएटली, ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आके आपका है ना जो एंट्री है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये है, मैं आपको जस्ट मार्किंग पर्पसली करके दिखा रही हूँ, ये हमें एसेट्स के अंडर में दिखा देना है। इसका 2 एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर कम से कम 2 एडजस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट कर हम लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 4000 हमें लिख लेना है। तो यहां पर जो है ये हिडन एडजस्टमेंट कर आया था हमें, हिडन एडजस्टमेंट, तो इसको भी हमें एडजस्ट करना सीखना है। चीजें नई है तो आपको थोड़ा सा थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिस से आपको ध्यान में आने लगेगा, 2-3 सम सॉल्व करोगे तो बराबर पता चलने लगेगा। नाउ अभी आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक, जैसे मैंने आपसे कहा विच एवर इज लेस, तो यहां पर इसके लिए भी आप नोट लिख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो यहां पर आपको चेक करना है कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो है 60,000 एंड मार्केट प्राइस MP जो है वो है 70,000, तो आपको इनमें से कौन सा चूज करना है, 60,000, बिकॉज ये जो अमाउंट है ये लेस है, तो हमें लेस वाला अमाउंट आपको याद रखना है, ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक जो विच एवर इज लेस है उसके हिसाब से जाता है। तो ये हम रिकॉर्ड करें तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट तो क्या होगा, एसेट्स के अंदर, तो यहाँ पे एसेट्स में इमीडिएटली हम लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 60,000। ज्यादा प्राइस बढ़ाकर और दिखाकर क्या फायदा, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो कम वाली वैल्यू ही हम लेते, भले मार्केट प्राइस कम हो या कॉस्ट प्राइस कम हो, तो यहाँ पे 60,000 आ गया। एंड ट्रेडिंग अकाउंट में इसका क्रेडिट साइड में इफेक्ट दिखाना होता है हमको, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 60,000 यहां पर भी लिख देंगे, तो इसको भी मैं पर्पसली, ये जो ड्यूअल इफेक्ट वाले डबल इफेक्ट वाले जो ट्रांजेक्शन हैं इनको पर्पसली मैं आपको, और जो रेड मार्किंग हम कर देते तो आपको आसानी रहेगी समझने में कि ये जो है एडजस्टमेंट वाली चीजें हैं, एडजस्टमेंट वाली पर्पसली मैं बॉक्स में डाल रही हूँ, रेड बॉक्स में, समझने के लिए कि यहाँ पर और ये दूसरा इफेक्ट इसका यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको ये क्लैरिफिकेशन रहे कि भाई ये एडजस्टमेंट वाली चीजें हैं। देन नेक्स्ट जो है सेकेंड हमारा एडजस्टमेंट है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेकर है, तो वेजेस 4000 एंड सैलरी 2400, तो वेजेस यहां पर हमने स्पेस लीव कर थी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो मतलब ऐड करना है, प्रीपेड होता तो हम माइनस करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस वाला है 4000, तो यहां पर 4000 ऐड किया आउटर में चला जाएगा 32000, इसको भी मैं रेड बॉक्स में डाल दूं, और इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो लायबिलिटीज में जाता है आउटस्टैंडिंग, इसकी एक हेडिंग दे देते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी और वो दोनों ही आने वाले हैं यहाँ पर, तो वेजेस 4000। अभी नेक्स्ट जो है वो सैलरीज का आएगा, तो सैलरीज की भी यहाँ पे हमने स्पेस लीव किए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस याद रखना है आपको कि जो बकाया एक्सपेंसेस है जो वो ये पर्टिकुलर ईयर का इसी साल का है, देना बाकी है तो मतलब देना तो पड़ेगा ना फ्यूचर में भी, तो इसीलिए इसको इस साल का खर्चा है तो इस साल में ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर 2400 सैलरीज भी हम ऐड करेंगे, तो अमाउंट हो जाएगा 46,400, इसको भी रेड मार्किंग दे देती हूँ कि भाई ये एडजस्टेड वाला है, तो यहाँ पर भी ये एडजस्टमेंट वाली चीज है, इसलिए देखो दो इफेक्ट इसका दिखेगा, एंड सैलरीज भी आउटस्टैंडिंग जो सैलरीज है वो 2400 की
ये रेड बॉक्स में पर्पसली डाल रही हूँ, आउटर में यहाँ पर 6400 हमको लिख देना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। मोटर पे डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करेंगे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो वर्किंग नोट कि -10% डेप्रिसिएशन। पूरे साल का कैलकुलेट करना है, 40,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आपको यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन इन शॉर्ट ऑन मोटर इज इक्वल्स टू 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करेंगे तो जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो, जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो, तो 4,000 आ जाएगा। तो 4,000 मोटर पे, तो यहाँ पर हम माइनस डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो जाना, तो -4,000। तो ये तो हमने चैप्टर सीखा है पूरा, तो यहाँ पर 36,000 आउटर में। एंड इसका इफेक्ट, इसका जो सेकेंड इफेक्ट है ये एडजस्टमेंट एंट्री है ना, ये जो 4,000 आपको कहाँ पे दिखाना होगा, ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर है, लॉस है ना बिजनेस के लिए। तो ये 4,000 क्योंकि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम इसको दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन अमाउंट है 4,000। इसके बाद में 5% ऑन फर्नीचर बोला है, 5% फर्नीचर पे कैलकुलेट करना है, तो फर्नीचर यहाँ पर है, तो यहाँ पर 5% 20,000 का 5% 1,000 होता है, मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए। 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 19,000। कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मिस कैसे आया, सर डाउट नहीं क्रिएट होना चाहिए ना, हालांकि आता है आप लोगों को, फिर भी बता देती हूँ बेटर रहेगा। यहाँ पर फोर्थ जो है 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे तो दिस टू जीरोस कैंसिल विद दिस टू जीरोस, यहाँ पे 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर 1,000 ये आ गया 5% डेप्रिसिएशन। तो ये जो डेप्रिसिएशन माइनस 5,000 यहाँ पे किया, ये हमको सेम यहाँ पर भी दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी लॉस है ना, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ पर 1,000 हमको लिखना है, 1,000 फिर अमाउंट जो आएगा वो 1,000 आ जाएगा, ये 1,000 है, तो इसको भी हम मार्किंग कर देते कि भाई ये जो है ये एडजस्टमेंट वाला, ये आपको मार्किंग करनी नहीं है, मैं तो जस्ट खाली दिखाने के लिए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट कैसे होता है, डबल आता है इफेक्ट, जस्ट इस सम में बताऊंगी, आगे तो फिर है ना हम लोग आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ों को, इन चीज़ों को अच्छे से। नाउ राइट ऑफ 2,000 बेड डेप्स, तो यहाँ पर डेटर्स के यहाँ पे हमने स्पेस लीव किया था, और ऐसे ही हमको इसीलिए तैयार करना होता है, माइनस बेड डेप्स, माइनस फर्दर बेड डेप्स, आप फर्दर बेड डेप या न्यू बेड डेप बोल सकते हो, फर्दर बेड डेप्स, तो आपको याद रहेगा कि ओनली फर्दर बेड डेप्स माइनस करते हैं, ट्रायल बैलेंस का बेड डेप्स यहाँ से माइनस नहीं करते हैं। तो 2,000 माइनस करने बोला, तो 2,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 42,000 हो गया, ये फर्दर बेड डेप्स है, ये 2,000 हमको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, यहाँ पर हमने बेड डेप्स का पूरा फॉर्मेट तैयार रखा है, मैंने बोला था ओल्ड बेड डेप पहले लिखना है जो ट्रायल बैलेंस में होता है, देन फर्दर बेड डेप्स, इसका स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगी जो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, तो उसको जरूर देखिएगा। तो 2,000 यहाँ पर हम ऐड करेंगे, इसके बाद में डेप्रिसिएशन पे ही हमको डेटर्स पे ही हमको फर्दर बेड डेप्स कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर RDD कैलकुलेट करना है, -5% न्यू RDD जिसको आप बोल सकते हो नया RDD है, तो नया RDD ही डेटर्स पे कैलकुलेट किया जाता है। तो 42,000 का जो 5% होता है वो 2,100 होता है, लेकिन आप बोलेंगे मिस कैसे 2,100 आया, तो कैलकुलेट करके भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, 2,100 हमको माइनस करना है, तो ये जो है ये भी एडजस्टमेंट वाली आइटम, ये भी एडजस्टमेंट वाली आइटम, एंड यहाँ पर हमने इसको दिखाया था ये एडजस्टमेंट से ही था ना, तो ये एडजस्टमेंट से अभी ये 2,100 कैसे आया तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कैलकुलेट कर कर जस्ट इन शॉर्ट। यहाँ पर कभी भी है ना नया बेड डेप माइनस करने के बाद में आप है ना डेटर्स पे कैलकुलेट करते हो, तो 5% न्यू RDD
ऑन डेटर्स, तो ये नेट डेटर्स है, बेड डेट्स माइनस करने की बात का, तो 42,000 पे मल्टीप्लाई बाय 5/100 करोगे तो जीरोज गॉट कैंसिल विद 0,0 एंड 0, 5, 2, 10 का 0 कैरी ओवर 1 एंड 5, 4, 20 एंड 1, 21, तो 2100 आपका जो है न्यू आरडीडी है। अभी इस न्यू आरडीडी को हमने यहाँ पे से माइनस करना है, यहाँ पे से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 39,000 आपको आउटर कॉलम में लिख देना, 900 माइनस करने पे 39,900 आएगी, राइट। माइनस करके देखना, 42,000 माइनस 2,100 करके देखना, देन इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जो फॉर्मेट हमने तैयार रखा है इसमें लिखेंगे 2,100, ये भी हमको लिखना है। अब इसका टोटल कर लेंगे हम, तो यहाँ पर आप टोटल करोगे तो 2,400 प्लस 2,600 प्लस सॉरी 2,400 प्लस 4,400 एंड 2,000 तो 6,500, 6,500 में से माइनस 3,000 हम 200 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 3,300 नेट वैल्यू आउटर में हमको दिखा देनी है। माइनस किया हमने तो 3,300 हमने आउटर में दिखा दिया। अब इसके बाद में जो लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। अभी कैपिटल का जो अमाउंट है वो कितना है, 1,40,000 है, 1,40,000 पे 10% कैलकुलेट करना है। तो यहीं पे आगे पेज टर्न नहीं करती हूँ, यहीं पे आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ी आसानी हो जाए। तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू 1,40,000 का 10% मतलब 14,000, जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो तो जीरो हो गया एंड जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो तो 14,000 आ गया, तो आपका जो अमाउंट आएगा वो 14,000 आएगा। तो आपको ये जो 14,000 है ये कैपिटल में ऐड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैपिटल में ऐड करते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट देगा ना भाई, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पर ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये भी आपका एडजस्टमेंट हो गया ना, तो यहाँ पर 14,000 हमको प्लस करना है। इसको हम ये एक सम में खाली समझाने के लिए ये सारे एडजस्टमेंट वाले अमाउंट्स हैं, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम डेबिट साइड में, ये लॉस है ना एक तरीके से बिजनेस के लिए, तो देना पड़ेगा बिजनेस को, तो इंटरेस्ट ऑन यहाँ पर कैपिटल कर हम लिखेंगे, अमाउंट आएगा 14,000 का। इस तरीके से आप लोगों को दिखाना है, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट्स तो हमने कर दिए सब, तो इनके सबके सेकंड इफेक्ट भी दिखा दिए, राइट। सेकंड इफेक्ट दिखाना जरूरी, दो इफेक्ट होते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज के, तो वो भी कम से कम दो इफेक्ट होते हैं, हमने दिखा दिए। अब हमको करना है, हमको ये चेक करना है कि सारे हमने आउटर में बैलेंसेस डाले, तो यहाँ से सब हमने ऐड प्लस जो ऐड माइनस करना था आउटर में हमने दिखा दिए, यहाँ से भी सारा एडजस्ट करके हमने दिखा दिया, आउटर में सब लेके आ गए, ये जो मेन कॉलम है यहाँ पर लेके आ गए, यहाँ पर भी हम मेन कॉलम में सारे अमाउंट्स, खाली इसका बाकी है, तो इसका हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के बाद में ही आउटर में लेकर आ पाएंगे। फिर यहाँ पर भी सब आउटर में हम लेकर आ चुके हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप है क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने से क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट हो रहा है कि नेट लॉस हो रहा है, ये पता चलने वाला है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो उसके लिए हमको टोटल फाइंड आउट करना है, डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो ये आप पेंसिल से करके देखोगे कि डेबिट साइड मोर है कि क्रेडिट साइड मोर है। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो पेंसिल से जरा यहाँ पे टोटल ले लेते हैं, 8, 5 + 6 कितना होता है 11, तो 1 कैरी ओवर 1 तो 5,18,000 हुआ, राइट। फिर यहाँ का आप टोटल करोगे देखोगे तो कितना अमाउंट आता है, तो यहाँ पर टोटल करने पे आप लोगों को अमाउंट जो रिसीव होगा 0,000 एंड 2 + 4 = 6 + 2 कितना होता है 8, 8 + 9 करेंगे तो 17 का 7 कैरी ओवर 1, 1 + 2 = 3, 3 + 7 = 10, 10 + 3 कितना होगा 13 का 3 कैरी ओवर 1 तो 1 + 1 = 2 तो 2,37,000 होता है, कितना होता है 2,37,000। तो आप देखोगे कि 5,18,000 इज मोर देन 2,37,000, ये 2,37,000 होता है, तो 5,18,000 आपको लिख लेना है टोटल के यहाँ पर, एंड सेम अमाउंट यहाँ पर 5,18,000 हम लिखेंगे। हमने
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 में देखा था। जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो मतलब प्रॉफिट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पे 2,37,000 है, जरा अच्छे से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 2,37,000 माइनस करने के लिए काम आएगा ना हमको। तो ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट एंड जो क्रेडिट बैलेंस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है भाई। बिजनेस फायदे में है, कैरिड डाउन, इसको ब्रॉड डाउन कहाँ पे करते हैं तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पर जो डिफरेंस आने वाला है, किसका डिफरेंस आएगा, तो इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है कितना होगा, तो रिवर्स माइनस करके देख लेते हैं। 0 - 0, 0 - 0, 0 - 8 - 7 किया तो हमें मिलेगा 1, एंड 1 - 3 तो पॉसिबल नहीं, तो 11 - 3 किया तो 8, एंड 4 - 2 किया तो 2, तो 2,81,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसे हमें कहाँ लेकर जाना है, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रॉस साइड में, क्रेडिट साइड में आ जाएगा ये ऐसे। तो यहाँ पर बाय, हम इसको बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कर लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ये स्टेप होता है, प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, यहाँ पर कितना अमाउंट, 2,81,000। अब क्या करना है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमको क्लोज करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल एंड डेबिट साइड का टोटल करना होगा। तो ये भी हम पेंसिल से करके देख लेते हैं कितना होता है, राइट। तो यहाँ पर जब पेंसिल से हम टोटल करते हैं तो 0, 0, 4 + 3 = 7, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, then 8 and then 2, तो 2,86,700 हो गया यहाँ का टोटल करेंगे तो। तो यहाँ पर 0, then 0, then 8 + 3 = 11, 11 + 4 = 15, 15 + 4 = 19, 19 का हम लिखेंगे यहाँ पर 9, फिर कैरी ओवर 1, 1 + 4 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 11, 11 + 5 = 16, 16 + 6 = 22, 22 + 2 = 24, 24 + 4 = 28, 28 + 1, यहाँ पर हमारा 1 है, 28 + 1 = 29, 29 + 4 कितना होगा, 33 का 3 कैरी ओवर हमें करना है 3, यहाँ पर कैरी ओवर होगा टेंस के। यहाँ पे 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, तो 83,900 हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना होगा, ये जो टोटल है क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है एंड डेबिट साइड का टोटल है वो क्या है, कम है। तो जो 2,86,000 हमको 2,86,700 दिया है उसमें से हमको माइनस करना होगा 83,900, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा नेट प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, लास्ट जो टोटल कॉलम है यहाँ पर टोटल के यहाँ पर लेंगे टोटल, तो यहाँ पर 2,86,000 हम लिख लेंगे। हमने पेंसिल से यही टोटल करने लेना है, इसको उठा के लेकर जाके अमाउंट्स को और फिर टोटल नहीं करना है। मैंने ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उठाकर बैक साइड में अमाउंट सारे लेके जाते हैं फिर वहां पे प्लस करते हैं। क्या जरूरत है, यहीं पे ऑर्डर में आप प्लस कीजिए, एडिशंस कीजिए, फिर अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो मतलब अगर आपको डायरेक्ट जमता है तो 0 - 0, 0, 0 - 0, 0 एंड 17 बन जाएगा, बिकॉज 7 - 9 पॉसिबल नहीं है। या फिर आपको डिफिकल्टी लगती है तो आप क्या करो, ये 83,900 आपने लिखा हुआ है यहाँ पे नीटली, आप साइड में यहीं पे 2,86,700 माइनस आपको करना है 83,900, माइनस करने पे 0, 0 एंड 17 - 9 किया तो कितना होगा 8, एंड फिर यहाँ पे 5 - 3 किया तो 2, एंड 8 - 8 किया तो 0 एंड 2, तो 2,02,800 यहाँ पे लिखेंगे, 2,02,800 आपका जो है नेट प्रॉफिट आया। क्या आया, नेट प्रॉफिट, यहाँ पर हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये नेट प्रॉफिट बिजनेसमैन के लिए फायदा है कि नुकसान है, फायदा है, राइट, ऑब्वियसली ये फायदा है। तो इसको हमें कहाँ क्या करना है, तो ऐड टू, यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए लिख देती हूँ, ऐड टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट आता है तो ऐड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड करते हैं हम। तो ये 2,02,800 यहाँ पर लायबिलिटीज में हमने कैपिटल लिखा है। हम लायबिलिटीज में क्यों लिखते हैं कैपिटल को, अरे बिजनेस को और बिजनेसमैन को हम अलग अलग मानते हैं। तो ये है ना,
ये जो प्रॉफिट है ये बिजनेस देगा उसको, तो यहां पर हम एड नेट प्रॉफिट लिखेंगे एंड यहां पर अमाउंट 2,08,00। फाइन, इसके बाद अभी हमको क्या करना है, तो यहां से ये जो 24,700 तो हमको माइनस करना होगा, 24,700 तो हमको माइनस करना है। तो ये माइनस करने पे कितना अमाउंट आता है जरा यहीं पे पेंसिल से देख लेते हैं। 0 0, देन 10 माइनस 7 किया है तो 3, 9 माइनस 4 किया है तो 5, एंड 3 माइनस 2 मतलब 1, एंड 1 तो 1,15,000। जस्ट फॉर अपने नॉलेज के लिए हम कर लेते हैं, अभी फटाफट एडिशन कर लेंगे और इसको अमाउंट को हमें ना आउटर में दिखा देंगे। यहाँ पे ये कॉलम में ले सकती थी मैं, तो ये कॉलम में आपसे डिस्कस करते करते ये कॉलम में ना लेने के बजाय यहीं पे लिख दिया, तो आपको इसको लेकर जाना है। आप ये बोल सकते कि भाई इधर लिख दिया तो इस अमाउंट को यहाँ पर टोटल मारेंगे तो 0 0, एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 का 1 कैरी ओवर 1 किया है तो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 6 प्लस यहाँ पर हम लेंगे 4 तो 10 10 प्लस 2 12 12 का 2 कैरी ओवर 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 कितना यहाँ पर 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 3, एंड फिर 1 प्लस 2 3 तो 3,32,100 हो गया। अभी क्या करना है आपका, अभी फाइनली क्या होना चाहिए, जो बैलेंस शीट है तो लायबिलिटीज का जब आप टोटल करोगे और आपका असेट्स का जो टोटल होगा वो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम नहीं आता है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है आपके सम में। यहाँ पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, आपकी टैली होनी चाहिए। बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम टोटल मार्कर देखेंगे तो 0 0 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9, एंड फिर पहले पेंसिल से लिख सकते हो आप, पेंसिल से लिखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कुछ गड़बड़ लगे तो फिर आप ना रीचेक कर सको सम को। 2 प्लस 6 कितना होगा, 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 6 जो है वो 18 प्लस 6 होगा 24 24 का 4 कैरी ओवर 2 2 प्लस 3 कितना होगा, 5 5 प्लस 7 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 12 प्लस 2 14 14 14 का लिखेंगे हम 4 कैरी ओवर 1 1 प्लस 3 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 तो 4,44,900। लेट्स चेक कि आपका ये सेट भी 4,44,900 आता है क्या, तो ये जरूरी है आना। अगर नहीं आया तो मतलब सम में प्रॉब्लम हो गई है, कहीं ना कहीं एरर हो गया है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है 0, देन मैं टेंस के प्लेस पे चेक कर रही हूँ, सब 0 है। देन 9 प्लस 4 15 15, यहाँ पर 9 प्लस 4 13 13 प्लस 6 19 का 9 कैरी ओवर 1 1 प्लस 9 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 6 24 24 24 प्लस 9 33 33 प्लस 1 34 34 प्लस 1 35 35 प्लस 5 कितना होगा, 40 40 प्लस 4 44। तो यहाँ पे 44 का 4 कैरी ओवर 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस 5 17 17 प्लस 3 20 20 प्लस 1 21 21 प्लस 8 29 29 प्लस 2 31 31 प्लस 7 कितना होगा, 38 38 प्लस 6 कितना होगा, 44 का 4 कैरी ओवर 4 और कहीं पे ऐड करने के लिए है नहीं है, डायरेक्ट 4 आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल आएगा वो 4,44,900 आ रहा है। मतलब आपकी बैलेंस शीट क्या हो गई, टैली हो गई, बैलेंस शीट टैली हो गई, TALLY टैली। मतलब यहाँ पर आपका लायबिलिटीज का टोटल इक्वल्स टू है एसेट्स का। तो इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है, बैलेंस शीट एक बार टैली हो गई मतलब आपका सम पूरा 100% करेक्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। सबसे पहले हमको ट्रेडिंग अकाउंट, द वेरी फर्स्ट हम क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, सेकेंड क्लोज हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टोटल अमाउंट सारे स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कीजिए सम को, एंड ये जो बैलेंस शीट है इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड ये जो वर्किंग नोट मैंने किया है
वर्किंग नोट का भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, सो थैंक यू वेरी मच, शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।